2017 2018 मैं गया था बाबा अमरनाथ की यात्रा पे। ओ हो दोस्तों, जो मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ का यार, अभी भी मैं अगर आंख बंद करके वो दिन याद करता हूँ ना दोस्तों। सही। जय बाबा बर्फानी। आज डेट है 4/7/2018 और दो दिन से यहाँ पे बहुत बर्फ। जयकारा निकलता है, हर हर महादेव, जय बोलेगी। तो कैसे 2018 वाला जो साल था मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कि अच्छा था वो, बहुत ही ज़्यादा। तो उसके बीच में अगर आप देखोगे ना मेरे क्या क्या हुआ था, वो मैंने सारे एक्सपीरियंस अपने शेयर कर रखे हैं अपनी पुरानी वीडियोस में, जो मैं अपलोड करता हूँ हर साल अमरनाथ बाबा की यात्रा की वीडियो, तो उसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप ये देख रहे होंगे वीडियो, तो मुझे पता है कि आपके मन में भी अमरनाथ बाबा की यात्रा पे जाने का मन है। तो दोस्तों आप बहुत ज़्यादा लकी हो यार, जो आप ऐसा कर रहे हो। और मैं बता दूं, बस आप जाओ और फुल मस्ती करके आओगे। तो किसी ने सही कहा है कि मंजिल का मज़ा उतना नहीं आता जितना सफ़र का आता है। तो जो सफ़र है ना दोस्तों, दो रास्ते हैं बाबा अमरनाथ की यात्रा पे जाने के, पालटा और पहलगाम। दोस्तों आप पहलगाम के रास्ते से जाना, वो मज़ा आ जाएगा। तो 2017 में मैं गया था बालटाल के रास्ते से पहली बार, जब मेरे अंकल जी ने मुझे बताया था कि गाइड किया था कि हम जा रहे हैं तो मैं भी चलूँगा। तो मुझे पता नहीं था रास्ता कैसे है कैसे नहीं, तो उन्होंने हमारे लिए जो सोचा अच्छा ही सोचा। एक दिन की ट्रैक था हमारा बालटाल से पवित्र गुफा तक का, और उस वक्त मेरा चैनल भी नहीं था तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर भी नहीं कर पा रहा था। बट आज की डेट में मेरे पास मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और चैनल भी है। तो दोस्तों दिल खोल के यार मैं चाहता हूँ कि आपकी हेल्प करूँ, बताऊँ आपको। दोस्तों मैं बता दूँ आपको पहलगाम के रास्ते जाना, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अगली वीडियो में दूंगा। मैं इस वीडियो में सिर्फ बताऊँगा कि जो हम 2021 में हम अमरनाथ की यात्रा कब से जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कब से है। तो दोस्तों मैं आपको सीधा बता देता हूँ, 2021 में जो यात्रा शुरू हो रही है दोस्तों, 28 जून से लेके 22 अगस्त तक। जी दोस्तों, इस बार 55 दिन की यात्रा होने वाली है और दोस्तों मज़ा आने वाला है यार, आप जरूर जाओ, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन कराओ, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो आपका मेडिकल है ना दोस्तों, वो अपने एरिया के किसी हॉस्पिटल में करवाना है आपने। और ये आपको ये भी पता करना है कि आपके एरिया में किस किस हॉस्पिटल में मेडिकल हो रहे हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपनी मेडिकल करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आप उसी हॉस्पिटल जाना है जिस हॉस्पिटल को ऑथराइज किया होगा श्राइन बोर्ड की तरफ से मेडिकल के लिए, और फिट रहें, तंदुरुस्त रहें और अच्छे से जाएं। और क्या क्या लेके जाना है यात्रा पे, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। जिनके साथ में गया था ना, 30 से 40 लोग थे दोस्तों, और हम सिर्फ 4 लोग बचे थे उस यात्रा में। मतलब कि बचने का मतलब है कि हम लोग दर्शन कर पाए थे, इतनी मुसीबतों के बाद जब दर्शन हुए दोस्तों दिल खुश हो गया। अब कल 80% आदमी से भाग गया था। भोजपुरी में बताना आप लोग कहाँ से आए हैं? अरे हम लोग छपरा बिहार से हैं, छपरा बिहार से एल्बनी से। अच्छा, कितना लोग? 80% लोग भाग गए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पंचतरणी। बहुत इंतजार करवाया बाबा जी ने आज, इस बार बहुत ज़्यादा लोग 9-9 साल 10-10 साल से आ रहे हैं यहाँ पे, पर कभी ऐसा मौसम देखा नहीं उन्होंने। पर इस बार इतनी बारिश हुई कि लोगों के भरोसा टूट गया, और कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से कुछ यात्री वापस लौट गए। पर हमने इंतज़ार किया, हम 3 दोस्त यहाँ पे रुके हैं और एक अंकल हैं, बाकी सारे हमारे साथ जितने भी थे सब वापस चले गए हैं। दिल खुश हो गया था, मैं कह रहा हूँ आप जाना, एंजॉय करना, कहीं दिक्कत आएगी कमेंट कर देना, आपका भाई आपके लिए हमेशा खड़ा, ठीक है दोस्तों। जहाँ से भी आप जा रहे हो ऑल द बेस्ट, जय भोले की दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको क्या क्या लेके जाना है वहाँ पे, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे जाना है और कहाँ कहाँ आप रुकोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, जय भोले की दोस्तों, ओके बाय।